दोस्तों श्रद्धालुओं की देखो मस्ती देखो आप अभी, ये देखो जंप लगा के गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बहुत गहरा पानी है, कम से कम 15 फुट गहरा, और दोस्तों बड़ा ध्यान से गंगा स्नान करना चाहिए। ये तो फुल मस्ती में है, तैरना आता होगा लेकिन फिर भी गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए दोस्तों, और सभी सही से अच्छे से स्नान करें। दोस्तों नमस्कार, आपका अंकित ग्रेवाल ट्रैवल व्लॉग्स चैनल में स्वागत है, और मैं आज एक नई वीडियो के साथ गढ़गंगा मेला गढ़ मुक्तेश्वर जा रहा हूँ। और दोस्तों अभी हम रास्ते में हैं, दोस्तों अभी हम गढ़ पहुँचने वाले हैं। और ये जो श्रद्धालु हैं, जो ट्रैक्टर से, कोई बुग्गी से, कोई अपने निजी गाड़ी से, जैसे भी जाते हैं लोग श्रद्धा के साथ गढ़गंगा मेला नहाने के लिए जाते हैं। और दोस्तों ये आप देख सकते हो गाड़ी थी। दोस्तों गढ़गंगा मेले का एक इतिहास है, महाभारत से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि युद्ध में मारे गए लाखों योद्धाओं की आत्म शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के संग गंगा तट पर 15 दिन पड़ाव डालकर कार्तिक मास में सभी धार्मिक कार्य किए थे, जिसके बाद उन दिवंगतों को आत्म शांति मिली थी। उसी के बाद सनातन धर्म में यह परंपरा कार्तिक मास में चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के बाद से देश में हर साल कार्तिक मास के 15 दिन के लिए गढ़ खादर में गंगा मेले का आयोजन होता है, जिसका शुभारम्भ छठ स्नान से होता है, उसके बाद दूसरा स्नान गोपाष्टमी पर होता है। दोस्तों हम गढ़ से आगे निकल चुके हैं और गंगा के समीप हैं, और अभी मेले के पास पहुंच के मैं आपको शानदार नज़ारे दिखाऊंगा। दोस्तों हम मेले के अंदर आ चुके हैं, और ये देखो आप सभी गंगा स्नान की तैयारी में हैं और फुल मस्ती में हैं। दोस्तों ये ट्रैक्टर और कोई बुग्गी से, कोई बैल से आया हुआ है यहाँ पर। और दोस्तों आगे चलते हैं, हम दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों अब हम भी गंगा स्नान करेंगे और आपको दिखाएंगे गंगा में। देखो वे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वहाँ पे। दोस्तों आज हम गंगा स्नान करने आए हैं गढ़ मेला, और ये देखो आप ये व्यवस्था देखो, सभी जो किसान भाई मेरे और सभी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं, और सभी टेंट लगा के रहते हैं यहाँ पे। दोस्तों अब की बार जो है गंगा स्नान दूर नहीं है, तिदरी के पास बराबर में ही है, और ये खेत हैं यहाँ ईंट के। और मैं आज यहाँ गढ़ मुक्तेश्वर गंगा स्नान में आया हूँ। देखो ट्रैक्टर कैसे हो रहे हैं, और दोस्तों यहाँ से चढ़ा रहे हैं, देखो आपको सामने दिखाई दे रहा हो तो। ये भाई यहाँ से ऊपर चढ़ाएंगे इस ट्रैक्टर को दोस्तों, और मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो आप रेस दे दिया पूरी फुल, और ये देखो आप नज़ारा, और देखो चढ़ जाएगा। देखो शाबाश शाबाश शाबाश, नहीं चढ़ पाया दोस्तों, और सभी जोर लगा रहे हैं लेकिन नहीं चढ़ पाया। यो ना चढ़े भाई, चढ़िया, चल शाबाश चढ़िया। दोस्तों ट्रैक्टर तो चढ़ गया, अब बाइक वाले आए हैं यहाँ पे। अब बाइक वाले भी उस पार जाना चाह रहे हैं, अब देखते हैं कि ये बुलेट जो है चढ़ पाएगी या नहीं। और दोस्तों उधर को ले जानी चाहिए थी इनको, ये गलत रास्ते से आए शायद मेरे हिसाब से, और देखते हैं आगे कि चढ़ पाती है या नहीं। और दोस्तों ये लोग नहीं चढ़ पाएगी दोस्तों, इससे तो बंद करके ही इसको ऊपर खींच लिया जा, 3-4 आदमी लग कर तो ही सही है, ऐसे नहीं चढ़ पाएगी, ऊंचाई काफ़ी है उधर। और अभी बंद हो गया दोस्तों, ये पानी चला गया सिलेंसर में। तो कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेला में आपका स्वागत है, और देखो यहाँ पे थाने बने हुए हैं, पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा है,
कोई बदतमीजी ना करे, अच्छे से सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और दोस्तों सामने बहुत दोस्तों सभी कोई अपने परिवार के साथ आता है, कोई अकेला आता है, कोई मतलब बच्चे बुजुर्ग सभी गंगा स्नान के लिए आते हैं दोस्तों। कोई अपनी बुग्गी वगैरह से, बलद से और अपनी गाड़ी से भी आते हैं, ट्रैक्टर से। और ये देखो दोस्तों, आपने कभी अंग्रेजी ज़माने में ही देखे होंगे कि घुड़सवार पुलिस वाले, और यहाँ पे घोड़े से भी घुमा जाता है क्योंकि रेत वगैरह ज़्यादा रहता है, गाड़ी की व्यवस्था ऐसी फंस जाती है गाड़ी, इसलिए ये गश्त पे हैं घोड़े से। दोस्तों ये हमारे कपिल भाई हैं और जो है दोराड़ा से, और देखो फुल मस्ती में हैं। और ये प्रशांत भाई हैं, और यहाँ पे जो है मैं आपको डांस दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, गंगा मेले में घूम रहा हूँ, और आप देख सकते हैं सभी व्यवस्था करके आते हैं घर से, कुर्सी मुड्डे वगैरह लेके, हुक्का सभी, ये घोड़ी है और टांगे भी आते हैं। देखो टेंट वगैरह लगा के 8-10 दिन के लिए पूरी मस्ती करते हैं यहाँ पे किसान, और श्रद्धा से रहते हैं और गंगा स्नान करते हैं दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा गढ़गंगा मेला। और हम गाड़ी में हैं दोस्तों, और आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सभी और दोस्तों दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ, और कई ज़िलों से, मेरठ ज़िले से, हापुड़ से, और 80-80, 100-100 किलोमीटर दूर से अपनी बुग्गियों से और ट्रैक्टर से, दोस्तों जैसी जिसकी सुविधा है उसी प्रकार यहाँ आता है, और बड़े उत्साह से यहाँ 7-8 दिन रहता है, और फिर गंगा स्नान करके और फिर वापस चले जाते हैं दोस्तों यहाँ से। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और कमेंट भी करना, और हर हर गंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और दोस्तों मैं गंगा घाट पे हूँ अभी, और दिखाता हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। देखो ये गंगा माँ है जो कि दूर दूर में फैली हुई। और दोस्तों उधर जो है पार का मेला है, उसे तिगरी का मेला बोलते हैं, और यहाँ पे जो है व्यवस्था भी काफ़ी है, बोट वाले हैं कभी कोई डूब जाए उसके लिए। आज क्या खाना बनाओगे भाई? गाजर है, मटर है, आलू है, टमाटर है। देखो दोस्तों ये हमारा जो है यहाँ किचन है, हमारे भाई हैं ये, और हम गढ़गंगा मेले पे हैं अभी। और जैसे कि कैंपिंग करते हैं लोग, हम गढ़गंगा मेले पे कैंपिंग कर रहे हैं, हमारा कैंप है ये। और आप देख सकते हो हमारे भाई यहाँ पे खाना बना रहे हैं, और हम जो हैं भाई 10-15, 7-6 बज गए होंगे शायद। और ये सामने है गंगा, और ये हमारी यहाँ पे देखो, जैसे दोस्तों लद्दाख या फिर गंगोत्री या वगैरह वगैरह जाते हैं लोग कैंपिंग करते हैं, हमारे जो हम भी किसान ही हैं, हमारे किसान कैंपिंग करते हैं गढ़गंगा मेला। और ये देखो कैंप ही है, ये सारा कैंप है, और मैं आपको दिखाऊंगा बनाने। सामने जो है दोस्तों ये तिगरी का मेला है, और मैं गंगा माँ के बिल्कुल बगल में बैठा हूँ, और रात के 7 बजे हैं, आज 4 तारीख है, 4 नवंबर। मैं गढ़गंगा मेला में आया हूँ आपके लिए दोस्तों, आपको वीडियो दिखाने के लिए। देखो सामने मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये तिगरी का मेला है, तिगरी का मेला, पार का मेला बोलते हैं यहाँ पे, और सभी किसान भाई और सभी श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगाने के लिए आते हैं कार्तिक। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो ज़रूर शेयर करा करो और वीडियो पूरी देखा करो दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। नमस्कार।